हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज की वीडियो में हम देखेंगे वर्ब इन इन्फिनिटिव, व्हाट इज दैट, हाउ डू वी यूज देम एंड व्हाट आर द डिफरेंट सिचुएशन, व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस इन विच वी यूज वर्ब इन इन्फिनिटिव। कौन से सिचुएशंस हैं, कौन सी कंडीशंस हैं, इन्फिनिटिव वर्ब किसे बोलते हैं, कब हम इसको यूज करते हैं, ये हम देखेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इन्फिनिटिव मीन्स ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम कॉन्जुगेट नहीं करते, जिसमें कोई एंडिंग अलग से एक्स्ट्रा नहीं लगाते, लाइक टी एंडिंग, एस टी एंडिंग, ओरिजिनल वर्ब होती है, इन्फिनिटिव वर्ब बोलते हैं। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। स्पीलन, हाबन, काउफन, गेन, कॉमन, राइजन, श्राइबन, अनकॉमन, अपफारन, दीज आर ऑल वर्ब इन इन्फिनिटिव। आपको ये सारी वर्ब्स पता होंगे ऑलरेडी, आपने पढ़ी होंगी बेसिक्स A1 लेवल में, A2 लेवल में, और आगे काफ़ी लेवल्स जो भी आप करोगे उनमें आप ये वर्ब्स पढ़ोगे। दीज आर कॉल्ड वर्ब इन इन्फिनिटिव, दीज आर ओरिजिनल वर्ब लाइक गेयन, काउफन, हाबन, राइजन, स्पीलन, कॉमन, अनकॉमन, चाहे वो सेपरेबल हो चाहे वो नॉन सेपरेबल हो, सारी वर्ब्स ये इन्फिनिटिव वर्ब्स होती हैं। दीज आर ऑल वर्ब्स इन इन्फिनिटिव। अब इन वर्ब्स को कब यूज़ करते हैं हम, विदाउट एनी चेंज इन द एंडिंग। इसका सबसे पहला रूल होता है विद मोडल वर्ब। यस एग्जैक्टली, मोडल वर्ब के साथ हम इनको इन्फिनिटिव में यूज़ करते हैं। अगर आपने मोडल वर्ब का टॉपिक नहीं पढ़ा है तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आई बटन में आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। व्हाट इज मोडल वर्ब, मोडल वर्ब क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कब इनको यूज़ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं विद दिस एग्जाम्पल। इश खान आउट ऑफ फार्म, I can drive car. Du kannst schwimmen. Ich möchte reisen. Tim möchte Kaffee trinken. Mein Vater möchte ein Auto kaufen. Ich möchte dich anrufen. इन सभी सेंटेंसेस में आपने देखा modal verb सेकेंड प्लेस पे और infinitive verb लास्ट में। Yes, with the modal verb we use infinitive verb at the end. Infinitive verb को हम लास्ट में लिखते हैं और modal verb को सेकेंड प्लेस पे। यस दिस इज द रूल। इसका मतलब ये हुआ कि मोडल वर्ब के साथ हम इन्फिनिटिव वर्ब लिखते हैं जो कि हम लास्ट में लिखते हैं, इसको ही बोलते हैं इन्फिनिटिव। इसमें हम कोई एंडिंग नहीं देते हैं, कोई इसकी एंडिंग में चेंज नहीं होता है, जैसा लिखा है वैसे एज इट इज इसको लास्ट में लिखते हैं, लाइक गेन, कॉमन, राइजन, काउफन, आइन काउफन, श्राइबन, स्पीलन, दीज आर ऑल वर्ब इन इन्फिनिटिव और हम इनको एज इट इज लिखते हैं लास्ट में विद द हेल्प ऑफ मोडल वर्ब। तो जितनी भी मोडल वर्ब्स हैं उनके साथ लास्ट में जो वर्ब आती है दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटिव, वर्ब इन इन्फिनिटिव। एग्जैक्टली, अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की, एक दूसरा तरीका जिसमें हम वर्ब इन इन्फिनिटिव लिखते हैं, बट दिस इज ऑल्सो नोन एज सू प्लस इन्फिनिटिव। यस, सू प्लस इन्फिनिटिव मीन्स सू के बाद वर्ब लास्ट में लिखते हैं और दैट इज ऑल्सो इन इन्फिनिटिव फॉर्म। कैसे लिखते हैं हम, इसके लिए कुछ सेंटेंसेस होते हैं, आपको इन सेंटेंसेस को समझना जरूरी है, इन्हीं के साथ वो सू के बाद फुल फॉर्म में आता है। जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं आई हैव नो टाइम टू गो, आई हैव नो टाइम टू गो, मेरे पास टाइम नहीं है जाने का। हिंदी में तो सिंपल बोला जैसे मैंने, मेरे पास टाइम नहीं है जाने का। यहाँ पे हमें नहीं पता इन्फिनिटिव वर्ब हिंदी में किस तरह से हमने यहाँ पे यूज़ किए, बट इंग्लिश में अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है तो आप समझ सकते हो आई हैव नो टाइम टू गो। टू गो जो है दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। जर्मन में कैसे होगा, इश हैव कीन साइट सू गेन, इश हैव कीन साइट सू गेन, आई हैव नो टाइम टू गो, बहुत सिंपल सेंटेंस मैंने बनाया। तो यहाँ पे देख रहे हो आप सू गेन दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटिव, सू के बाद वर्ब आएगा और वो भी इन्फिनिटिव में। एक और सेंटेंस देखते हैं, मेरा मन नहीं है खेलने का, मेरा मन नहीं है खेलने का, आई डोंट हैव लस्ट, आई डोंट हैव डिजायर टू प्ले, I don't have lust to play. Ich habe keine Lust zu spielen. Ich habe keine Lust zu spielen. यहाँ पे भी आप देख रहे हो सू के बाद वर्ब लिखा है इन्फिनिटिव में। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ich habe keine Zeit, ich habe keine Lust, ये जो सेंटेंसेस हम लिख रहे हैं जिनसे हम स्टार्ट करते हैं इनका लिखना बहुत जरूरी है, इन स्ट्रक्चर्स को आपको समझना जरूरी है। इन वर्ब्स के साथ ही हम सू प्लस इन्फिनिटिव लिखते हैं, इन्हीं के साथ केवल सू के बाद वर्ब आएगा, हर जगह नहीं आएगा, हर एक सेंटेंस में नहीं आएगा, ये आपको समझना है। इसी तरह से कुछ और स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे इश फेरजुख आई ट्राई, आई ट्राई टू कम,
जैसे हम बोलते हैं मैं कोशिश करूंगा आने की, आई ट्राई टू कम, इश्फेरजुख सुखामन, इश्फेरजुख सुखामन, आई ट्राई टू कम। फेरजुखन इज अ वर्ब, फेरजुखन मीन्स ट्राई करना, फेरजुखन मीन्स ट्राई करना। और इसी तरह से कुछ और स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। जैसे मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ हर रोज जर्मन प्रैक्टिस करने के लिए, आई एडवाइस यू टू प्रैक्टिस जर्मन एवरी डे। तो यहाँ पे जो वर्ब है इंपॉर्टेंट, मैं एडवाइस देता हूँ, एडवाइस के लिए वर्ब है इस राटे डियर, राटन और फोरश्लागन, दोनों में से आप कोई भी वर्ब यूज कर सकते हो, राटन और फोरश्लागन। यहाँ पे राटन नॉर्मल वर्ब है, फोरश्लागन सेपरेबल वर्ब है। एग्जाम्पल देखते हैं, इस राटे डियर यडन टाक डॉइट सू लैरनन, इस राटे डियर यडन टाक डॉइट सू लैरनन। तो यहाँ पे आपने देखा सू के बाद लैरनन, दैट इज अगेन इन्फिनिटिव, सू के बाद हमने इन्फिनिटिव लगाया। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ दिए हुए हैं स्ट्रक्चर्स जिनके साथ आप सू प्लस वर्ब लर्न कर सकते हो, सू प्लस वर्ब को यूज़ कर सकते हो। ये जस्ट कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से मैंने आपको समझाया है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा इन्फिनिटिव वर्ब क्या होता है और किस तरह से इनको यूज़ किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना, और कोई क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई नॉलेज के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। इसी तरह से बने रहिए जर्मन क्लास के साथ। तो मिलते हैं सून विद द न्यू वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।